अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफस्टाइल एंड मेकअप। तो कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। अच्छा जी, आज मैं गई हुई थी केराटिन क्लास लेने। वन डे क्लास थी केराटिन की, कलर की। तो ये वन डे की क्लास थी और मैं और मेरी दोस्त हम सब गए हुए थे क्लास लेने के लिए वन डे क्लास में। हालांकि एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि आपके पास एक डिप्लोमा आ जाता है तो ज़्यादातर कुछ सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज ये जो क्लास थी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैंने मिस नहीं की। इसमें इतना कुछ अच्छा कलर का, केराटीन का और इन चीज़ों के बारे में इतना कुछ मतलब जानकारी मिली है, हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। तो मैं बस अब यही खुश हो रही थी कि शुक्र है कि मैंने इसको मिस नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि हमें कलर मतलब अगर ग्रे कवरेज भी करनी है और फैशन शेड भी करना है और आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन से ब्रांड का केराटीन करना है, ब्लीच वॉश कैसे करना है, मतलब सेफ तरीके से बालों को बग़ैर डैमेज किए हुए आप किस तरह से कलर ब्लीच वॉश कर सकते हैं, फिर उसके बाद कलर कर सकते हैं और फिर किस तरह से आप अपने कलर को स्टे करवा सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो रहा था केराटीन और मैंने अपने लिए भी टाइम लिया है क्योंकि जब मैंने ये रिज़ल्ट देखा है तो आउट क्लास रिज़ल्ट था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट था इसका। और ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत वर्क था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि केराटीन का जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने करवाया था तो वो कोई ख़ास मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो इसी वजह से मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं कहाँ से कराऊँ केराटीन। अपने ख़ुद के हेयर्स पे तो बंदा ज़ाहिर नहीं कर सकता और अगर हम किसी को कहते भी हैं कि आप हमारा कर दें तो सेम काम वैसा नहीं होता है जैसा हम चाह रहे होते हैं। तो आज यहाँ क्लास लेने के मेरे जो दो फ़ायदे हुए हैं, एक तो ये हुआ है कि मुझे अपने लिए केराटीन के लिए टाइम मिला है, मुझे बहुत अच्छा जहाँ से वर्क होता है तो वहाँ से मुझे टाइम मिला है, और दूसरा मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हमारे मतलब बंदा सीखता ही रहता है बहुत टाइम तक मतलब, तो बहुत कुछ आज सीखने को भी यहाँ से मिला है कि किस तरह से हम अच्छा केराटीन कर सकते हैं सेफ तरीके से और बालों को बग़ैर डैमेज किए हुए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी थी जो कि हमने कुछ परचेज़ भी किया है और फेशियल भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो लेकिन जो सबसे मुझे उम्दा यहाँ पे मतलब मज़ा आया है वो कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये देखें, ये फंकी कलर भी हमने सीखे हैं आज यहाँ पे कि किस तरह से आप फंकी कलर कर सकते हो और किस लेवल तक बालों को ले जा के आप, तो उसके बाद ही आपने फंकी कलर अप्लाई करने होते हैं। लेवल भी हमें पता चले हैं कि कौन से लेवल का और कौन सी फैमिली का बाल आपका कौन सी फैमिली के साथ जाएगा। जब आपको बालों की फैमिली के बारे में, बालों के लेवल के बारे में पता होता है और तभी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिला है। शेड कार्ड पे भी काफ़ी सारा इन्होंने हमें पढ़ाया है, शेड कार्ड भी समझाया है सबसे पहले, फिर कलर भी किया है और अब ये हो रहा था केराटीन। केराटीन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था और मैंने जाके इन्हीं से करवाना है, इन्हीं के सैलून से। तो ये इनके पास टाइम बहुत कम होता है, इन्होंने कहा है कि कोई 2-3 महीने पहले ही मेरे पास टाइम लेना होता है। तो फिर मैंने इनसे टाइम लिया है बहुत ज़बरदस्ती, बहुत मुश्किल से मुझे कोई 2 हफ्ते बाद का टाइम मिला है क्योंकि ये केराटीन काम ही ऐसा है, इस पर कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर तो आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं। तो तभी फिर इनके पास बहुत पहले से बुकिंग्स होती हैं तो फिर मैंने इनसे टाइम ले लिया है। और जी ये यहाँ पे फंकी कलर अब हो रहा था अप्लाई। सबसे पहले तो ब्लीच वॉश हुआ था, बालों का लेवल चेंज हुआ था और अब उसके ऊपर हो रहा था फंकी कलर। और ये भी मुझे पहले पता था कि फंकी कलर कैसे करते हैं लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंकी कलर किस तरह से अप्लाई होते हैं और कौन कौन से कलर्स अप्लाई होते हैं और किस कितनी टाइमिंग होती है, कौन सा एक्टिवेटर यूज़ होता है, तो ये सारा मुझे आज पता चला है बहुत अच्छे से।
यहाँ पे केराटीन की पहला स्टेप, दो स्टेप हो चुके हुए हैं, तो अब उसके बाद दूसरे स्टेप के बाद यहाँ पे हो रहा था ब्लो ड्राई। तो बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई के बाद अब यहाँ पे हो रहा है जी आयरन। तो इसके बाद होगा स्टेप थ्री। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्तें बन गई हैं और मेरे अपने ही सिटी की बहुत अच्छे और बहुत बड़े पार्लर से थी, तो उनके साथ भी काफ़ी मतलब मुझे मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा जी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।